हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आपके भी बाल सफेद है और सारे घरेलू नुस्खे अपना के थक चुके हैं, फिर भी बालों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, सफेद बाल जो है ब्लैक नहीं हो रहे, तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके बाल 100% नेचुरली ब्लैक हो जाएंगे। उसके लिए ना ही आपको बालों में कलर करना है, ना ही बालों में कुछ लगाना है, नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। उसके लिए हमें यहाँ एक चम्मच चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती हमारे बालों में कलर देने के लिए इतनी हेल्पफुल है, साथ ही हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाती है। तो फिर हमें यहाँ चाहिए एक चम्मच कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, साथ ही हमारे बालों को ब्लैक करने में इतना ही हेल्पफुल है। इस कलौंजी को हमें तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है और साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 लौंग ऐड किए हैं। लौंग हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखता है, साथ ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो दूर करता है, हमारे बालों का झड़ना रोकता है। रोस्ट करने के बाद हमें मिक्सर जार में इसे इस तरह से पीस लेना है। चाय पत्ती और कलौंजी पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे और इस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बालों में मेलानिन की कमी की वजह से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, तो ये हेयर ऑयल हमारे बालों में मेलानिन को बनाए रखता है, हमारे बालों को सफेद नहीं होने देता। जो सफेद बाल है उसको ब्लैक करता है, जो काले बाल है उसको कभी सफेद होने नहीं देता है। फिर हम यहाँ लेंगे सरसों का तेल। जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करें तो ये स्टोर किया हुआ कलौंजी चाय पत्ती का पाउडर 1 चम्मच इस ऑयल में एड कर दे और अच्छे से मिक्स कर ले। फिर हमें इसे हल्का सा गर्म करना है, लेकिन इसे डायरेक्टली हीट नहीं करना है। इस तरह से पैन में थोड़ा सा पानी ले और इस ऑयल को हल्का सा गर्म करें। ऑयल को हल्का सा गर्म करके बालों में लगाने से क्या होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और हमारे बाल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हमारे जो बालों में मेलानिन की कमी हो जाती है ना, वो कमी को ये ऑयल पूरी कर देगा। इस हेयर ऑयल को बालों में 10 मिनट मसाज करके लगाएं और इस हेयर ऑयल को बालों में ओवरनाइट भी रख सकते हैं या तो 2 से 3 घंटे के बाद अपने हेयर वॉश कर ले। इस हेयर ऑयल को 2 से 3 बार यूज करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सफेद बाल धीरे धीरे ब्लैक होने लगेंगे और साथ ही अगर रेगुलर इसका यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं 100% आपके बाल नेचुरल ब्लैक हो गए हैं और कभी व्हाइट नहीं होंगे।